इवारपुर दिल्ली में धर्मशाला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने लगभग 1.5 लाख मरीजों के इलाज के रिकॉर्ड के साथ सफलतापूर्वक 25वीं वर्षगांठ मनाई। यह वर्षगांठ अस्पताल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक समारोह का आयोजन कर मनाई। बता दें कि 25 वर्ष से अधिक समय पहले धर्मशाला अस्पताल के इलाज से कैंसर मुक्त हो चुके सर्वाइवर्स भी अपना सफर साझा करने को मौजूद थे। आज से लगभग 20 साल पहले मैं अचानक कहीं जा रही थी तो रास्ते में हॉस्पिटल पड़ा। मैंने कहा चलिए डॉक्टर खन्ना को मिलते हुए जाऊँ, क्योंकि जब बन रहा था तो इनकी मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। तो मैंने ऐसे ही बातों में कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को इस जगह पे ना बड़ी पेन होती है, कारण मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन चलो आपका वो करते हैं अल्ट्रासाउंड। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को किसी कार्यक्रम में जाना है, मैं फिर कभी आऊँगी। ये कहने लगे नहीं भाभी जाने भी दूंगी, अभी आपका अल्ट्रासाउंड करा के ही भेजूँगी। अल्ट्रासाउंड हुआ, इनको तो पता चल गया कि मुझे कैंसर है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। इन्होंने कहा भाभी कल आपको ना दाखिल होना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहते जरा आपके टेस्ट वेस्ट अच्छी तरह कर लें। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं हमारे एक लंबा प्रोग्राम था कथा का, 9 दिन का कार्यक्रम है, मैं उसके बाद आऊँगी। कहने लगे नहीं आपको कल ही होना है। इन्होंने वो टेस्ट करा के अगले दिन कहा आप बेटी को साथ लेके आना। मैं गई, इन्होंने मुझे दाखिल कर लिया और मुझे आज भी वो तारीख याद है, 12 अक्टूबर 1999 दाखिल हुई। अगले से अगले दिन मेरा ऑपरेशन भी हो गया और मुझे नहीं पता कि मुझे कैंसर है। तो मैंने ऐसे ही फाइल छीनी डॉक्टर के हाथ से, डॉक्टर कनिका गुप्ता थी, तो मैंने जाना कि मुझे कैंसर है। लेकिन जिसको कहते हैं ना जवान में रंगो बू के मेल से ही बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम्हें तुम हो तो क्या तुम हो। डॉक्टर के प्रति विश्वास और पेशेंट की अवेयरनेस, उसका कोऑपरेशन और डॉक्टर का एफर्ट, ये दोनों ही काम करते हैं। मेरी भाई की शादी थी, हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ मेरे को पेन हुआ मेरे लेफ्ट पेल्विस के अंदर। तो डॉक्टर से हमने, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे ट्रीटमेंट लिया मैंने अराउंड 3 मंथ्स के अराउंड, बट कोई मुझे लगा नहीं कि मैं कुछ ठीक हो रहा हूँ क्या। तो मेरे डैडी ने दिल्ली का भी, मैं इसलिए समझता हूँ कि NCR UP उत्तराखंड, मतलब जिसने जहाँ बोला कि भैया वहाँ लेके जाओ, तो मेरे डैडी मुझे लेके गए। 1996 में किसी ने बोला कि भाई धर्मशाला हॉस्पिटल है आप वहाँ लेके जाइए, तो हम यहाँ पर भी आए। 6 मंथ ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर भी डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि भाई आप पेशेंट अपना ले जाए। लेकिन उस टाइम ज्वाइन किया, मैं मैडम से बोलना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर पुरोहित गुप्ता जिन्होंने उस टाइम ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मैडम खन्ना भी उस टाइम वहीं से थी, डॉक्टर पुरोहित गुप्ता थे। तो इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया मुझे, रिवर्स बूस्ट टेक्निक जिसे कहते हैं, कि जो ट्रीटमेंट मेरे को लास्ट में देना चाहिए था उन्होंने मेरे को फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया। और जैसे अभी अंकिल ने बताया कि सारे बाल चले गए थे, बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं था कि जहाँ बाल हो। मैं 2 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकला, मैं 2 साल एक कमरे में बंद था। मेरे डैडी ने जो मैंने बोला, मेरे डैडी ने मेरे को लाकर दिया, मुझे वीडियो गेम चाहिए तो वीडियो गेम लाकर दी, नया LCD चाहिए वो लाकर दिया, नया TV चाहिए वो लाकर दिया। मतलब ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है जो मेरे डैडी ने आज पूरी नहीं की है। और धर्मशाला हॉस्पिटल के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा ट्रीटमेंट उन्होंने मेरे को ऐसा दिया, हर स्टाफ हर डॉक्टर ने ऐसे मोटिवेट किया जैसे वो अपने बच्चे को करते हैं। मैडम खन्ना ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है, डॉक्टर पुरोहित गुप्ता ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है, और मेरा एक रूम पैक था वहां पर, सेकंड फ्लोर पर 217, मुझे वही रूम मिलता था हर बार जब मेरी कीमो हुई है। 25 वर्षों के दौरान धर्मशाला नारायणा अस्पताल ने कैंसर के ट्रेंड में उतार चढ़ाव देखे, जहां सर्विकल कैंसर के मामलों में तकरीबन 39% गिरावट रही, वहीं
ब्रेस्ट कैंसर में 44% के हिसाब से और हेड नेक एंड लंग कैंसर में 22% के हिसाब से इजाफा हुआ। इस समारोह में डॉक्टर एस खन्ना, फाउंडर धर्मशिला हॉस्पिटल एंड प्रेसिडेंट, कमांडर नवनीत वाली, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया नारायणा हेल्थ और श्री अनुज गुप्ता। ये हमारे शर्मा जी का हाल और मिस्टर शर्मा जी का हाल अगर आप देखोगे कि इन्होंने अस्पताल को बनाने के लिए भगवान की इच्छा सबसे पहले होती है, इंसान तो बाद में आती है, लेकिन इन दोनों पति पत्नी को उन्होंने क्या मतलब कैसे बनाया, कैसे करा और जो इन्होंने करी वो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं मैं बोलना शुरू करूँगी तो रास्ता बोलते रहता है। पिछले 25 सालों में धर्मशिला में आपने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, तो आपका उसमें से कोई एक यादगार लम्हा रहा हो? सबसे बड़ा यादगार लम्हा उस वक्त होता है जब हमारे महीने में एक दफा कैंसर सर्वाइवर्स की मीट होती है। जो कैंसर सर्वाइवर की मीट होती है तो वो कैंसर सर्वाइवर बढ़ते जाते हैं हर साल। उस वक्त वो शुरू में वो कहते थे कि हमारी मीटिंग कराया करो, हमने मीटिंग कराना शुरू करी, सारा इंतजाम हो गया। आज वो दिन आ गया कि वो कहते हैं कि हमें सिर्फ जगह दे दो, बाकी सब हम कुछ करेंगे। और उसके बाद की जो वीडियो देखो कि वो बच्चे बच्चियां जो आते हैं और वो अस्पताल के अंदर जो वो नाच गाने रैंप वॉक और डांसेस और वो क्या क्या नहीं करते, 3 या 4 को तो वो मिलते हुए क्या बोलते हैं क्राउंस नहीं है, तो वो कोई वहाँ ब्यूटी कंपटीशन में क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करता है, तो जिस वक्त वो ये सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो एक आंख रो रही होती है और एक आंख हंस रही होती है। जो आंख रो रही होती है कि ये वही बच्ची है जो वेंटिलेटर पे पहुँच गई थी, ये वही बच्चा है जिसके लिए हम रो रो के मानते थे कि भाई सुबह तक ये दिखाई देगा लेकिन नहीं देखा। तो ये यादगार एक नहीं है, अनेक है। सर, वो 25 साल पूरे हो गए धर्मशिला हॉस्पिटल का, तो इन सभी परिस्थितियों में क्या क्या ऐसी परिस्थिति आई थी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जैसे पहले भी बताया गया कि जब आप किसी वेंचर की शुरुआत करते हो तो परेशानियां आती हैं, आपके फंड्स में फिनेंशियल परेशानियां आती हैं, फिर डॉक्टर्स की कमी, क्योंकि कैंसर सीन स्टार्ट हो रहा था देश के अंदर और डॉक्टर्स की इतने डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, फिर टेक्नोलॉजी भी दुनिया में इतनी विकसित नहीं थी, तो लगभग फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, मैन पावर, सारी की सारी परेशानियाँ, क्योंकि और कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, आराम हमारे सामने पहला अस्पताल था, तो ये सारी की सारी परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ी। धर्मशिला और नारायणा के बीच जो कनेक्शन हुआ 2 साल पहले डॉक्टर देवी शेट्टी ने नारायणा का शुरुआत की थी, नारायणा की, और डॉक्टर खन्ना ने धर्मशिला की शुरुआत की थी, और ये बहुत नेचुरल था कि कैंसर हॉस्पिटल को एक सुपर स्पेशलिटी से अगर जोड़ना है तो धर्मशिला को नारायणा से बेटर पार्टनर नज़र नहीं आया। और अप्रैल 2017 में दोनों ने आपस में मिलाप किया और लास्ट 2 साल जो नारायणा और धर्मशिला के रहे हैं वो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, क्योंकि कैंसर के मरीजों को बाकी स्पेशलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और नारायणा का काफ़ी एक्सपीरियंस बाकी स्पेशलिटीज़ को चलाने में भी रहा है। तो लास्ट 2 साल की जर्नी हैज़ बीन एक्सीलेंट और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये जो आपस में पार्टनरशिप है इससे सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी सोसाइटी की हो और वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड दैट दिस पार्टनरशिप सीज मच बेटर डेज अहेड ऑल्सो। सर, एक लास्ट सवाल, कोई ऐसे पेशेंट आता है कैंसर का शिकायत, तो वो अगर गरीब होता है, ज़्यादा वो पैसा वाले नहीं होते हैं, तो किस तरह से मदद करते हैं आप? अगर आप गूगल में जाएंगे और डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में और नारायणा हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे तो डॉक्टर शेट्टी ने एक बात बहुत बार बार कही है कि अ सोल्यूशन विच इज़ नॉट अफोर्डेबल इज़ नॉट ए सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट हमारे दरवाजे के अंदर आता है, वो चाहे किसी भी फिनेंशियल स्ट्रेटा का हो, अगर वो गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं, हम जिसके या तो उसके पास जितने पैसे हैं उसमें इलाज करेंगे या कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनका बिल्कुल हम मुफ्त इलाज भी करते हैं अगर हमें लगे कि उस पेशेंट के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, उसमें हम फिनेंशियल वाइबिलिटी और फिनेंशियल उसके पास क्या है वो बिल्कुल देखते नहीं हैं। ये नारायणा की बहुत ज़्यादा हो रही है हमें।